नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और हम सब जानते हैं कि इस कोरोना काल ने हम सबके बिजनेस, हम सबकी फाइनेंस स्थिति पर कितना बुरा असर डाला है। और अब पॉल्यूशन शुरू हो गया है और पॉल्यूशन इस महामारी को डबल करने की फिराक में है, क्योंकि जहां जहां ज्यादा प्रदूषण होता है वहां वहां कोरोना जैसे जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो वायरसेस होते हैं, वो और भी ज्यादा पनपते हैं। इस त्रासदी में भी एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं आप, इस आपदा को अवसर बना सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि प्रदूषण को भाई अवसर कैसे बनाया जा सकता है, प्रदूषण कोई अपॉर्चुनिटी थोड़े ना है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको फिर पता चलेगा मैं क्यों ये कह रही हूँ कि कैसे आप प्रदूषण को भी अपने एक कमाई का स्रोत बना सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आप किस तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं बिजनेस को लेकर। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए, शेयर कीजिए वीडियो। तो सुनते हैं कि आज मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि लगातार प्रदूषण जो है वो इस तरह के बैक्टीरियास को मदद करता है और भी ज़्यादा फैलने में, वायरसेस को मदद करता है और भी ज़्यादा पनपने में। लेकिन इसके साथ ही बिजनेस कैसे जुड़ा है, वो इसलिए क्योंकि इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया, जिससे हम सब वाकिफ हैं। अब क्या है कि इस नए मोटर व्हीकल एक्ट को अगर देखते हुए अगर आप प्रदूषण जाँच केंद्र खोलते हैं तो आपकी कमाई अच्छी हो सकती है। अब आप समझे मैं कैसे प्रदूषण और बिजनेस को जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, इसको डिटेल में समझते हैं। प्रदूषण जांच केंद्र खोलने की शर्तें, यदि आप प्रदूषण जांच केंद्र खोलना चाहते हैं तो इसके लिए अपने क्षेत्र के आरटीओ ऑफिस से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। प्रदूषण जांच केंद्र पीले रंग के केबिन में ही खोला जा सकता है, ये रंग इनकी पहचान के लिए होता है। प्रदूषण जांच केंद्र पीयूसी, पेट्रोल पंप, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप के पास ही खोल सकते हैं। इसके केबिन का साइज, लंबाई 2.5 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर, ऊंचाई 2 मीटर तक होनी चाहिए। पॉल्यूशन टेस्टिंग सेंटर लाइसेंस की वैलिडिटी 1 साल की होती है, इसलिए आपको हर साल लाइसेंस को रिन्यू कराना होगा। प्रदूषण जांच केंद्र सेंटर पर लाइसेंस नंबर लिखना आवश्यक है। प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मोटर मैकेनिक्स, ऑटो मैकेनिक, स्कूटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक्स या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI से प्रमाणित सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्रदूषण जांच केंद्र खोलने वालों को वाहनों के प्रदूषण जांच के बाद गाड़ी का प्रदूषण सर्टिफिकेट देना होगा, इसमें सरकार से प्राप्त स्टिकर लगाना अनिवार्य होता है। प्रदूषण जांच केंद्र में पूछी गई जानकारी को करीब 1 साल तक कंप्यूटर में सुरक्षित रखना होगा। जिस व्यक्ति के नाम लाइसेंस है उसको ही केंद्र चलाने की अनुमति होती है। प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स, स्कूटर मैकेनिक सर्टिफिकेट, मोटर मैकेनिक सर्टिफिकेट, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से प्रमाणित सर्टिफिकेट, डीजल मैकेनिक सर्टिफिकेट, ऑटो मैकेनिक सर्टिफिकेट। प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए कैसे अप्लाई करें? प्रदूषण जांच केंद्र लाइसेंस लेने के लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर से संपर्क करें। RTO ऑफिस में भी आप पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रदूषण जांच केंद्र लाइसेंस के लिए आवेदन करने के साथ ही 10 रुपए का एफिडेविट देना होगा। लोकल अथॉरिटी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। प्रदूषण जांच केंद्र की हर राज्य में अलग अलग फीस है, कुछ राज्यों में ऑनलाइन अप्लाई करने की भी सुविधा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आप इस लिंक पर जाएं। केंद्र खोलने के लिए किन किन उपकरणों की आवश्यकता होगी? प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए सबसे जरूरी कंप्यूटर, USB वेब कैमरा, इंकजेट प्रिंटर, पावर सप्लाई, इंटरनेट कनेक्शन, स्मोक एनालाइजर, ये सभी लाइसेंस फीस से अलग खर्च में जोड़ा जाता है। प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए आवेदन की प्रक्रिया, सबसे पहले आपको अपने राज्य के प्रदूषण जांच केंद्र की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ आपके सामने न्यू ओल्ड PUC सेंटर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आएगा। इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को भरना होगा। अब रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप प्रदूषण जांच केंद्र के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं। नियम और शर्त, प्रदूषण जांच केंद्र की तरफ से प्रिंटेड सर्टिफिकेट देना होगा, जिसमें सरकार की तरफ से जारी स्टिकर लगा होगा। प्रदूषण जांच केंद्र से सरकार 2 रुपए स्टिकर के अलग से चार्ज करती है। वहीं प्रदूषण जांच की जाने वाली गाड़ियों की डिटेल करीब 1 साल तक कलेक्ट करके रखनी होती है। जिनके नाम प्रदूषण जांच केंद्र का लाइसेंस होता है वही व्यक्ति इसे ऑपरेट कर सकता है, यानी कि चला सकता है।
तो मुझे लगता है कि हमने प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए जितने भी पहलू थे वो कवर कर लिए हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है या फिर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें रह गई हैं तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में और बता सकते हैं कि कौन सा सवाल है जो आपको जिसका जवाब चाहिए, हम उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।